गाइस कैसे हो आप सभी। आप देख रहे हैं टुडे ऑडिशन। आज हम बात करने वाले हैं बीबी जोड़ी गर्ल डांस रियलिटी शो के बारे में, जो कि 2 मई से स्टार्ट होने वाला है। देखो गाइस, ये वीडियो बनाने का सिर्फ ये मकसद था कि आपके रजिस्ट्रेशंस थे बहुत सारे, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जल्दी अपडेट कर दूंगा, इसलिए मैं कंटिन्यूस वीडियोज भी बना रहा हूँ। दूसरा, जो बीबी जोड़ी गर्ल डांस रियलिटी शो है, अभी देखो इसके अंदर जो बिग बॉस के अंदर जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं जिनकी जोड़ीज बनाकर उनको डांस कराया जाएगा, इस तरह का अभी तो इसकी थीम है। बट आने वाले टाइम में ये थीम चेंज हो सकती है, आप लोगों के लिए भी एंट्रीज निकल सकती हैं, क्योंकि अभी सीज़न 1 सिर्फ चेक करने के लिए बनाया जा रहा है। सीज़न 2 सीज़न 3 आपके काफ़ी ज़बरदस्त होने वाले हैं और रजिस्ट्रेशन भी आपके निकलने वाले हैं इनके। फिलहाल देखो इसके कोई रजिस्ट्रेशन आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि अभी तो सिलेक्शन हो चुका है और जो भी बिग बॉस के अंदर गए थे उन्हीं की जोड़ीज बना कर डांस कराया जाएगा। वैसे ये डांस रियलिटी शो होने वाला है, जितने भी बिग बॉस के फैन हैं और जिनको बहुत ज्यादा पसंद था बिग बॉस रियलिटी शो, जिन्होंने देखा था, उनके लिए ये काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है कि उनके फैंस तो काफी खुश हैं, बट जो लोग जाना चाहते हैं डांस कॉम्पिटिशन के अंदर, अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो भी टेलीविजन के ऊपर जो लोग आना चाहते हैं, उनके लिए ये थोड़ी सी निराशाजनक बात है। बट आपको देखना जरूर चाहिए ये शो, ताकि आपको भी एहसास हो कि भाई हाँ, अगर हम भी स्टेज पे होंगे तो कुछ इस तरह से दिखेंगे। हालांकि गाइज मैं मानता हूं आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं है, बट फिर भी हमें हर चीज को लेकर प्रिपेयर होना चाहिए, ताकि हम भी इस तरह के रियलिटी शोज के अंदर पार्टिसिपेट कर सकें। अभी बहुत सारे ऑडिशंस और रजिस्ट्रेशंस आपके सामने मैं रखने वाला हूं, कुछ ही दिनों में हम आपको अपडेट्स करेंगे, चाहे वो डांस इंडिया डांस हो या फिर डांस प्लस हो, जो डांस प्लस 6 आने वाला है, ये सभी अपडेट आपको करते रहेंगे। तो चैनल के साथ बने रहिए, ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो जाए और आपके जो भी डांसिंग रिलेटेड करियर है या फिर सिंगिंग रिलेटेड करियर है वो आपसे मिस ना हो जाए। गाइस चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं बीबी जोड़ी या फिर बिग बॉस जोड़ी के बारे में। ये एक फैंस के लिए काफी अच्छी न्यूज है, जितने भी जिनों बिग बॉस के फैन है वो बैटल देखेंगे, जितने भी कंटेस्टेंट थे बिग बॉस के अंदर आए थे उनकी बैटल देखेंगे। उसका जो नाम है वो बीबी जोड़ी गर्ल है और जो टेलीकास्ट होगा विजय टेलीविजन के ऊपर होने वाला है। 2 मई से ये टेलीविजन शो आपके टेलीविजन स्क्रीन विजय टेलीविजन के ऊपर देखने को मिलेगा। ये शो एक पावर पैक हम इसको बोल सकते हैं कंटेस्टेंट का शो है। जो कंटेस्टेंट्स हैं वो पुराने जो बिग बॉस थे उसके कंटेस्टेंट्स को लिया जाएगा और उनके साथ फिर बैटल कराया जाएगा। इस शो का जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल क्लियर है, इसके अंदर जितने भी पुराने कंटेस्टेंट हैं उनसे डांस कराया जाएगा, कुछ ड्रामेटिक होगा जिससे कि लोगों को एंटरटेन किया जाएगा। विनिंग कैश प्राइज भी है, जीतने वाले को कैश प्राइज और उसके टाइटल के ऊपर एक अच्छी जोड़ी भी लगाया जाएगा। जो एलिमिनेशन अराउंड है वो परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा जाएगा और जितने भी ग्रैंड फिनाले के अंदर पहुंचेंगे वो 4 कंटेस्टेंट पहुंचने वाले हैं, यानी कि 2 जोड़ी आपको ग्रैंड फिनाले के अंदर देखने को मिलेगी। ये शो काफी एक्सक्लूसिव होने वाला है, जजेज पैनल के ऊपर भी बहुत सारे गॉर्जियस एंड ब्यूटीफुल एक्टर्स आपको देखने को मिलेंगी, जिसके अंदर रमा कृष्ण हो गए जो कि मोस्ट वन जजेज हैं, इस शो के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। सिंगर और टैलेंटेड एक्टर्स नकुल जयदेव हो गए आपके, एरोदो मगेश एंड दीना विल बी होस्टिंग इन दिस शो। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो मुझे आपको बतानी थी। ये विजय टेलीविजन के ऊपर आने वाला काफी कमाल का शो होने वाला है, बट अगर इसका 1 सीजन काफी सक्सेसफुल रहता है आप लोगों के प्यार की वजह से, सपोर्ट की वजह से, तो डेफिनेटली इसके और सीजन्स आपको एज अ कॉमनर्स ही देखने को मिलेंगे, या फिर हो सकता है कॉमनर्स और सेलिब्रिटीज के बीच में बैटल कराकर ये शो आगे बढ़ने की कोशिश जरूर करेगा। आई होप आपको छोटी सी इंफॉर्मेशन पसंद आई होगी। मैं तो इस तरह की वीडियोज आपके लिए लाता रहूंगा, सिंगिंग डांसिंग रियलिटी शो एडवर्टाइजमेंट, हॉलीवुड बॉलीवुड टॉलीवुड जितने भी हमारे छोटे पर्दे हैं, इन सब के ऊपर मैं जानकारी आपको देता रहता हूं, ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो सके और आपका जिस भी फील्ड में जाने का करियर है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो ये चैनल आपके लिए काफी वैल्यूबल हो सकता है। बाकी मिलता हूं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।